डेंगू मच्छर के जानलेवा हमले, मजीद छह अफराद दम तोड़ गए। सीसीपी ऑफिस का हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद डेंगू से चाबहक। एमपीए राबिया नुसरत भी डेंगू बुखार में मुब्तला। शहर में 24 घंटे के दौरान 380 केसेस सामने आ गए। पुलिस एहलकार डेंगू मच्छर के निशाने पर, 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार डेंगू बुखार में मुब्तला, 5 जान से जा चुके हैं। 130 ट्रैफिक अफसरान और एहलकार भी डेंगू से मुतासर। कोरोना के मोहनिक वार, सुबह में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में 60 नए केसेस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 1.1%। पैराडोल की प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा, मगर मार्केट से गायब क्यों, लाहौर ने वजह पता चला दी। कोरोना और डेंगू के बाइस पैराडोल टैबलेट के फरोख में 100 गुना इजाफा हुआ। शहरियों की अक्सरियत सिर्फ पैराडोल इस्तेमाल करने पर बस। मेडिकल स्टोर्स पर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, वज़ीर-ए-आला का नोटिस। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी सेहत को हिदायत जारी, कहते हैं बुखार की दवाई की मस्नूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस के तैनाती का मामला, वज़ीर-ए-आला ने 8 टीचिंग अस्पतालों में एमएस के तैनाती की मंजूरी दे दी। डॉक्टर ताहिर रशीद को एमएस जिन्ना अस्पताल लाहौर तैनात कर दिया गया। स्मोग ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मजमुई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। मॉरल टाउन में AQR 425 तक रिकॉर्ड। टाउनशिप में 411, कोटलाक पर 403, ठोकर न्यास बेग में 393 रिकॉर्ड। स्मोक का सबब बनने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। एक माह की रिपोर्ट लाहौर को मौसूल। जिम्मेदार नासिर को 3,13,00,000 से जायद के जुर्माने, 1,487 मुकदमा दर्ज हुए। सब्जियों और फलों की कीमत आसमान पर। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों और 3 फल मजीद महंगे। आलू की सेंचुरी मुकम्मल। प्याज 60, टमाटर 170, अदरक 310 प्रति किलो में फरोख्त। सस्ती प्रोटीन भी शहरियों की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया, 320 रुपए फी किलो में फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत 182 रुपए फी दर्जन बरकरार। सोशल मीडिया पर आटा और चीनी की किल्लत से मुतालिक शिकायत। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का भट्टा चौक का दौरा। मार्केट में चीनी के स्टॉक का जायजा, कहते हैं चीनी माफिया की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा की जेरे सदारत ब्रॉयलर फार्मर एसोसिएशन का इजलास। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा की खसूसी शिरकत। ब्रॉयलर की कीमतों में कमी से मुतालिक गुफ्तगु। सर्दी शुरू होते ही शहर में गैस का बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के प्रेशर में कमी। शहरी एलपीजी गैस के इस्तेमाल पर मजबूर, कहते हैं एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। अस्पताल का डॉक्टर अगवा। गुलबर्ग के रिहायशी डॉक्टर साकिब महमूद घर से अस्पताल के लिए गए, वापस ना लौटे। पुलिस ने डॉक्टर साकिब के अगवा का मुकदमा 5 रोज बाद दर्ज कर दिया। तीसरी जवाब की किताब में दूसरा कलमा तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इसी नौयत के जरिए तबाह दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड समय दिगर प्रकरण से जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तालीमी बोर्ड का रिकॉर्ड तलब।
शहबाज गिल के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाप्त। अदालत ने आइंदा समाप्त पर मुदाई तब्दील करने के हवाले से दलाल तलब कर लिए। तुर्क कंपनी ने शहबाज गिल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। प्लॉट्स की अलॉटमेंट और सरमायाकारी केस एहतसाब अदालत ने मतरूक वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी पेश। अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। कैन कचहरी में चेयरमैन यूसी 182 राशिद करामत भट्ट की गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने राशिद करामत भट्ट की दरख्वास्तें जमानत बाद उस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 के बचर के जमा कराने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लाहौर में मुबैना माली करप्शन का मामला। रफाकत अली समेत 3 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी। आइंदा समाअत पर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत से मुतालिक दलाइल भी तलब। पुलिस अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करने में पेश। एसटी मॉडल टाउन साद अजीज के इजरा और लियाकताबाद में शहदा के घर आमद व रसा को गुलदस्ते और तहाइफ पेश किए। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहूलतकारी डेस्क कायम। विफाकी टैक्स मुतहसिब पाकिस्तान डॉक्टर आसिफ महमूद जार ने इफ्तिताह किया। डेस्क का मकसद फजाई मुसाफरों की शिकायत का फौरी अजाला करना है। DGLTA अहमद अजीज तारड़ का गुलाब देवी अंडरपास का दौरा। तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। अहमद अजीज तारड़ की तरक्याती कामों को मजीद तेज करने की हिदायत। फजाई मुसाफरों की मुश्किलात बरकरार। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क 7 परवाजों का शेड्यूल मुतासर। 2 परवाजें मनसूख, 5 ताखिर का शिकार मुसाफिर खबार। CEO PIA से दुनिया के सबसे दराज कर नसीस उमरो की मुलाकात। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने नसीस उमरो को प्रमोशन लेटर दिया। नसीस उमरो की सीनियर पैसेंजर हैंडलिंग सर्विस ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की। सूबाई वजीर सनत और तजारत की जर सदारत सूबाई स्टेयरिंग कमेटी का नवा इजलास। दुबई एक्सपो और मालियाती इदारों के हवाले से बातचीत। लाहौर और कनेट कॉलेज के माबेन मुफाहमती आदाश पर दस्तखत करने की तकरीर। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर में अदब के फरोग के लिए मुश्तरका सरगर्मियां मुनक्किद की जाए। लेकिन रहनुमा हमदा शहबाज की सईद गुलाम दस्तगीर की रिहाइश का आमद। गुलाम दस्तगीर के बच्चों के इयादत गुफ्तगु के दौरान हमदा शहबाज की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार। टीम ने कारकर्दगी से गैर मुस्तकिल मिजाजों के ट्रैक को खत्म किया। चेयरमैन PCB रमेश राजा का T20 वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं कौमी टीम की अब तक की कारकर्दगी बहुत शानदार है। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 24 नवंबर से भारत में शुरू होगा। PHF जूनियर हॉकी टीम शिरकत के लिए पुरमी सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा कहते हैं वीजों के हवाले से इंडियन हाई कमीशन से रابطے में है।